हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मनोज भाई, आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताइए। आज अपन जाने वाले हैं, जो हिंदी दिवस हुआ था उस टाइम पे कॉम्पिटिशन हुए थे तो उसकी प्राइस सेरेमनी है, तो हम लोग जाने वाले हैं। भाई आपको दिखाने वाले हैं कौन कौन क्या क्या प्राइस रिसीव करने वाला है। okay. और एक सरप्राइज भी है होने वाला है। अयोध्या सिंह उपाध्याय सरोद ने कहा था, पढ़ने लगी है पीयूष की शिखर धारा, हो जाता है रुचिर ज्योति में रोशन तारा, आते के मुख पर अति सुखद जिसका पावन नाम ही, 21 कोटि जन पूजिता हिंदी भाषा है। समकालीन हिंदी कविता के कवि केदारनाथ सिंह स्वीकारते हैं, इसमें भरा है पास पड़ोस और दूर दराज की इतनी आवाजों का गूंज गूंज अर्थ कि मैं जब भी इसे बोलता हूँ तो कहीं गहरे अरबी, हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, यहाँ तक कि एक पत्ती के हिलने की आवाज को सब बोलता हूँ जरा जरा जब बोलता हूँ हिंदी। आजादी के पहले हरिओम के कहे गए और केदारनाथ सिंह के स्वीकारे गए इस अवसर पर रेखांकन हिंदी की शक्ति और विस्तार को प्रत्यक्ष करता है। 21 कोटि हिंदी भाषियों के 80 करोड़ में प्रसरण की कथा मानता है। हिंदी सदियों से हमारी संस्कृति, परंपरा और संस्कारों का दर्पण है। हिंदी ही है जो विविधताओं से भरे हिंदुस्तान को एक सुंदरता में जोड़ती है। हालांकि हिंदी दिवस के साथ साथ केवल हिंदी दिवस ही क्यों, भारतीय भाषा दिवस क्यों नहीं का प्रश्न भी बार बार उठाया जाता रहा, पर यह विश्वास के संकट का मामला भर है। अन्यथा रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत पहले कहा था, जैसे देश प्रेम और परिवार प्रेम के मध्य कोई विरोध नहीं, उसी तरह हिंदी के प्रचार प्रसार और बांग्ला भाषा के विकास के बीच भी मैं कोई विरोध नहीं देखता। तमिल के शीर्ष लेखक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्री अखिलन ने भी माना, मैं हिंदी विरोधी था, परंतु जब मैंने पूरे देश की यात्रा की तो महसूस किया कि भारत की स्वाभाविक राष्ट्रभाषा हिंदी है। आज हिंदी की विस्तृत होती दुनिया और बढ़ती हुई चाह का भी परिणाम है कि वर्तमान में विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन अध्यापन हो रहा है। विभिन्न देशों के 91 विश्वविद्यालयों में हिंदी चेयर है। दुनिया की महत्वपूर्ण ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा साल 2017 में शामिल लगभग 70 भारतीय शब्दों में 23 से अधिक हिंदी है और यह संख्या अभी लगातार बढ़ रही है। निसंदेह आज हिंदी विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है और कहती हैं बूंद बूंद से ही घट बनता है। अतः मुझे बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि हमारे विभाग ने भी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के लगभग 12 वेबिनारों व्याख्यानों का आयोजन कर इस हिंदी रूपी वटवृक्ष को सींचने में अपनी भूमिका निर्वहन का लघु प्रयत्न किया है। किंतु दोस्तों, हिंदी के समक्ष अलग अलग स्तर पर चुनौतियां भी कम नहीं है। राजभाषा के रूप में उसके स्वीकार को 73 वर्ष हो चुके हैं। संविधान और कानून के स्तर पर वह पर्याप्त मजबूत भी नजर आती है, पर कहीं राजभाषा का दर्जा हमें खेद है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि इफ्लू के कुलपति एवं यूजीसी सदस्य माननीय प्रोफेसर ई सुरेश कुमार सर अपनी अकस्मात आई प्रशासनिक व्यस्तता के कारण हमारे साथ शामिल नहीं हो पा रहे हैं, पर उनका स्नेह, आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमारे साथ है और भविष्य में भी यह योगी बना रहे इसकी हमें कामना है। सर के स्थान पर उनके दायित्व निर्वहन को हेतु हमारे बीच हैं डीन अकेडमिक प्रोफेसर टी सैमसन सर। सर
की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत। साथ ही विशेष अतिथि और वक्ता के रूप में हमारे मध्य दो विद्वान मौजूद हैं, आदरणीय गंगाधर पांडे सर, सर केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत, सर को कुछ कुछ भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे, पीएचडी शोधार्थी रहनास। और आदरणीय श्रीमती देवा मैम, मैम वर्तमान में हिंदी शिक्षण योजना राजभाषा विभाग सिकंदराबाद में उप निदेशक के पद पर कार्यरत, मैम के स्वागत के लिए मैं पीएचडी शोधार्थी शाही से आग्रह करती हूँ कि आए और मैम का स्वागत। Thank you.
पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, उसके प्रतिभागी होंगे आने वाले कार्यक्रमों में। बहुत बहुत धन्यवाद।